गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी लेसन फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। वी ईट फूड एवरी डे एंड वेयर डज इट मीन्स, मतलब फूड हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम इसमें सोर्स की बात करेंगे। फूड, अब बात आती है फूड होता क्या है। एज वी नो आवर बॉडी नीड्स फूड एवरी डे एंड दिस फूड एक्ट एज ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। सो आवर बॉडी नीड्स फ्यूल टू कीप इट्स वर्किंग। हमें कार्य करने के लिए भोजन की एज ए फ्यूल के रूप में ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन व्हीकल्स वी यूज डीजल, पेट्रोल, CNG एटसेट्रा, तो दीज एक्ट एज फ्यूल। तो डेफिनेशन क्या होगी फूड की, द फ्यूल वी यूज इज कॉल्ड फूड। अब फूड के बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो आगे हम करते हैं टू कीप आवर बॉडी वर्किंग। हमारी बॉडी को कार्य करने के लिए वी नीड राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में भोजन खा लें या बहुत कम अमाउंट में खाएं, तो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में फ्यूल की एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। आवर फूड मस्ट कंटेन, जो हमारा भोजन है उसमें होना क्या चाहिए, द राइट अमाउंट्स ऑफ द राइट केमिकल्स, की उचित मात्रा में जो उचित केमिकल है जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है वो हमारे भोजन में मिक्स होने चाहिए। सो द केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट आवर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स आवर फूड मस्ट कंटेन ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मीनिंग क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते कौन से हैं। न्यूट्रिएंट जैसे आपके विटामिन्स हो सकते हैं बेटा, मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल्स में क्या हो जाएगा, जैसे कैल्शियम, आयरन। कैल्शियम हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए ज़रूरी है, और आपका फास्फोरस भी ज़रूरी है, आयरन भी ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। कुछ मिनरल्स की ज़रूरत तो हमारी बॉडी को ट्रेस अमाउंट में यानी कि कम अमाउंट में पड़ती है, और कुछ की ज़्यादा। जैसे हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आयरन से हमारी बॉडी में क्या बनता है, ब्लड बनता है। तो ये तो हो गई कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और फूड क्या होता है, कि फूड को एक्चुअली में हम डिफाइन कैसे करें। आगे अब बात आएगी कि हम सोर्सेज ऑफ फूड, कि फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट से भी प्राप्त करते हैं एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट हैं जिनको हम अपने फूड में मिक्स करते हैं। वी गेट फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर, ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स। जैसे ग्रेन्स आपके वीट के हो सकते हैं, मेजी के हो सकते हैं, मस्टर्ड, जिससे मस्टर्ड से हम मस्टर्ड जब इसको स्टार्टिंग में हम उगाते हैं तो हम इसकी लीफ खाते हैं, और जब ये पककर तैयार हो जाती है तो हम इसको एज ए ऑयल के रूप में यूज करते हैं। अब एनिमल्स में, यू नो ऑलरेडी, एनिमल्स से हम क्या प्राप्त करते हैं। वी गेट मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, बटर, चीज़। कि हमें एनिमल से मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट, चिकन, फिश, बटर एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एग है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हैन से प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि प्लांट्स के पार्ट जो ईटेबल हैं, जिनको हम अपने भोजन में खाते हैं, वो कौन से हो सकते हैं। वो एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है कि फ्लावर कहाँ होता है प्लांट्स में, बर्ड्स कहाँ होती हैं, स्टेम कहाँ होती हैं, लीफ कहाँ होती है, रूट्स। तो फ्लावर तो टॉप पे दिखाया गया है। बर्ड्स क्या होती हैं, जो छोटी छोटी पत्तियों आने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम बर्ड्स कहते हैं। स्टेम, लीफ, लीफ आपको अच्छे से पता है। रूट्स जो अंडरग्राउंड होती है इनसाइड द सोयल, कहाँ होती है, अंडरग्राउंड होती हैं और इनसाइड द सोइल। तो फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं जिनको हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं, यानी कि जो ईटेबल हैं।
फर्स्ट है फ्लावर, स्टेम, लीफ, बर्ड्स एंड रूट्स। रूट्स हम किनकी खाते हैं, गाजर की, कैरेट जिसको बोलते हैं रेडिस, एज ए रॉ मटेरियल हम इसको रॉ मटेरियल के रूप में खाते हैं। अब बात आती है कि हमने जो भोजन किया है उसके फंक्शन क्या होंगे, उसके फंक्शंस क्या होंगे। तो पहली बात तो आती है कि फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, डेली रूटीन एक्टिविटीज़, जस्ट लाइक वी डू वर्क, एक्सरसाइज एट्सेट्रा। इन सभी में हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, फूड से। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारा जो हमारी जो बॉडी है वो एक प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाएगी। सेकंड क्या है, इट हेल्प द बॉडी टू ग्रो, यानी कि जो फूड है वो हमने न्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिएंट्स वाला खाया है तो वो हमारी ग्रोइंग में हेल्प करेगा। एंड रिप्लेस वोर्न आउट सेल्स, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, टूट जाती हैं, उनकी जो रिपेयरिंग में कौन हेल्प करता है, आपका फूड करता है। फूड में भी विच न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, प्रोटीन एक्ट एज ए रिपेयरिंग फॉर द सेल्स। सेल्स जो हमारी बॉडी की लिविंग बॉडी है उसकी फर्स्ट स्टेज है, सेल से हमारा क्या बनता है, और सेल से हमारा क्या बनेगा, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जीव की उत्पत्ति होगी। थर्ड वन क्या है, इट प्रोटेक्ट द बॉडी, इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज, जैसे हम अगर न्यूट्रिएंट्स से न्यूट्रिएंट्स वाला भोजन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी और उसमें बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। एंड कीप इट फिट एवरी फिट एंड हेल्दी, ये हमारी बॉडी को फिट रखता है और स्वस्थ रखता है। जैसे अगर हमने आयरन की अमाउंट हमारे भोजन में कम खाई, देर इज डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर डाइट, इट लीड्स टू ए डिजीज कॉल्ड एनेमिया। इफ आवर बॉडी डज नॉट, आवर फूड डज नॉट कंटेन प्रोटीन, देन आवर बॉडी सफर्ड विद ए डिजीज कॉल्ड मरासमस। तो ये आज हमने जो पढ़ा, व्हाट इज फूड, वेयर वी गेट फूड, एंड व्हाट विच प्लांट्स पार्ट वी ईट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, ये था डिस्क्रिप्शन लेसन फर्स्ट का। तो आपको इन सभी को फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फेयर नोटबुक में क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट फोर पेज आपको ब्लैंक छोड़ने हैं, फर्स्ट पेज में आपका एड्रेस होगा, सेकंड में ब्लूप्रिंट होगा, थर्ड में आपका इंडेक्स होगा। इस तरह से आपने फर्स्ट फोर पेज ब्लैंक छोड़ सकते हो और फिर आप उसमें से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जो जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्या है, एक क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग है, उसमें टू कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है कॉलम ए एंड सेकंड है कॉलम बी। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में जो स्टेटमेंट दी गई है उसको करेक्टली आपने सेकंड कॉलम बी से आपने मैच करना है। जैसे फर्स्ट है इसमें मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। आप सभी को पता है कि वेयर दीज आइटम वी गेट फ्रॉम एनिमल, यानी कि अदर वर्ड्स में वी कैन से दैट दी आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट, कि ये सभी क्या है, एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं। दूसरी बात करें, दूसरा जो दिया हुआ है स्पाइनैक, कैलीफ्लावर, कैरेट, वी नो वेरी वेल दीज आल आर वेजिटेबल, ये सभी क्या हैं, वेजिटेबल है, इनका हम एज ए वेजिटेबल इन आवर फूड वी यूज। थर्ड है लॉयन एंड टाइगर, लॉयन एंड टाइगर आर एनिमल्स, एंड विच टाइप ऑफ एनिमल, कार्निहोरस, हर्बीहोरस, ओमनीहोरस, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड हैबिट्स, कि इनकी फूड हैबिट्स किस प्रकार से हैं, ये किस तरह का खाना खाते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन या इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। लॉयंस एंड टाइगर्स क्या करते हैं, ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, ये दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, तो इसका मैच हो जाएगा ईट अदर एनिमल्स। अब बात आती है हर्बीहोरस, हर्बीहोरस क्या करते हैं,
ये क्या है, प्लांट्स को खाते हैं और उनके पार्ट्स को खाते हैं, जस्ट लाइक डियर, आपका रैबिट हो गया, ये सभी किस में आते हैं, हार्बी होरस में। तो आज हमने आपको ये सभी जो समझाया, अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी होती है तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं किसी भी वे से। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, यानी कि किसी भी फूड को बनाने से पहले हमें किन-किन थिंग्स की जरूरत पड़ती है, और उन थिंग्स को हम इंग्रेडिएंट्स का नाम देते हैं। और हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, कि फूड की एनिमल्स की जो फूड हैबिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनमें क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगी। थैंक यू।